No other career can give you the chance to conquer the sea, to touch the sky and to lead the brave man to the battlefield. But only the armed forces can give you that chance. Jai Hind students, I am Prathamesh Chiranjani and welcome you all to this amazing platform. Armed forces ko as a career option kyun choose karna chahiye? Iske piche waise to bahut sare reasons hain, jaise job security, financial stability. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर है आपके आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और उसके अलावा अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बात करूं तो जो लाइफ आप आर्म फोर्सेस के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वो आप किसी भी जॉब के अंदर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. बिकॉज व्हेन यू जॉइन द आर्म फोर्सेस यू हैव द पर्पस ऑफ योर लाइफ. आपको जिंदगी जीने का एक मकसद मिल जाता है. आपकी जिंदगी का हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है. और सिर्फ आर्म फोर्सेस ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको काफी यंग एज के अंदर एक लीडर के रूप में इमर्ज करती है, क्योंकि आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस में आपको एक लीडर बनाया जाता है. यू आर गोइंग टू बिकम द स्कॉलर वॉरियर. तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण या जिसको लेकर आपको आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए. आर्म फोर्सेस में जाने के बाद आप फाउंडेशन से हर चीज को लर्न करते हैं. बिलीव मी, यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द फाउंडेशन. फिर चाहे वो किसी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात की जाए, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की जाए, किसी भी स्पोर्ट्स की बात की जाए, ये सारी की सारी चीजें आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैरी योर प्राइड एंड ऑनर ऑन योर शोल्डर, जो कि होती है आपकी यूनिफॉर्म. आपकी यूनिफॉर्म रिफ्लेक्ट करती है वहां पर आपकी पर्सनैलिटी. और आर्म फोर्सेस के अंदर हर दिन आप कुछ ना कुछ नई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा हमेशा कायम होता है. फिर चाहे आपकी उम्र कितनी हो जाए, आप कहलाते हैं हमेशा एक जवान. सो दैट्स व्हाई आर्म फोर्सेस एक बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन जाता है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि आगे जाकर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जिसके अंदर उनकी जॉब सिक्योरिटी भी हो और उनकी लाइफ एडवेंचर से भरी हो. आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं. आफ्टर 12th भी आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं. यहां पर जब मैं आपसे आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं उन तीनों ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. इन तीनों ब्रांचेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं. नॉर्मली अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि आर्म फोर्सेस का काम सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर जाना है तो ये बात बिल्कुल गलत है. आर्म फोर्सेस में जाने के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हैं, आप मेडिकल सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं आर्म फोर्सेस की जहां पर जाके आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं. आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक दूसरा बेनिफिट यह भी होता है कि आर्म फोर्सेस के अंदर आपके प्रमोशन काफी फास्ट होते हैं. आपको काफी ज्यादा ट्रेवल करने का मौका भी यहां पर मिलता है और आपकी लाइफ होती है फुल ऑफ एडवेंचर. और इससे भी बड़ा एक रीजन ये होता है कि आपको मिलता है एक अनमैच्ड रिस्पेक्ट, एक ऐसा रिस्पेक्ट जो कि आपको किसी भी जॉब में नहीं मिल सकता है. सो आर्म फोर्सेस यहां पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन जाता है, चाहे फिर वो बॉयज हो या गर्ल्स हो. जी हां, गर्ल्स भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती है और गर्ल्स के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस आर्म फोर्सेस के अंदर खुले हैं फोर्सेस की तीनों ही ब्रांच में. तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से तीनों फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनको ज्वाइन करने का तरीका क्या है और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको क्या मिलता है. सबसे पहले अगर यहां पर मैं बात करूं कि हमारी आर्म फोर्सेस तीन ब्रांचेस के अंदर बटी हुई है. पहली है हमारी इंडियन आर्मी, जिसे कहा जाता है थल सेना, जो कि हमारे देश की रक्षा करती है, हमारे देश की सरहदों की रक्षा करती है. दूसरी है हमारे पास हमारे इंडियन एयरफोर्स और तीसरी हमारे पास इंडियन नेवी, जो कि हमारे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है. ये तीनों मिला के बनती है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस. और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेस के अंदर काउंट होती है. तो आर्म फोर्सेस के अंदर करियर बनाना सिर्फ और सिर्फ लाइफ को जीने का तरीका नहीं हो जाता है, आप लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और लाइफ के हर मोमेंट के अंदर आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं. दैट्स व्हाई आप सभी को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात हम करते हैं इंडियन आर्मी की. नॉर्मली हमें यह लगता है कि अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो सिर्फ हम ऑपरेशंस में जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद इंडियन आर्मी की भी काफी सारी ब्रांचेस होती है.
जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर आपकी आर्मी मेडिकल क्रॉप्स, यहां पर एज अ डॉक्टर बन के आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो आर्मी एविएशन क्रॉप यहां पर है, द इन्फेंट्री यहां पर है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो आप यहां पर बन सकते हैं। तो इंडियन आर्मी के अंदर यह जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही ब्रांच के अंदर जा सकते हैं, आप इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस में जा सकते हैं। फिर चाहे आप मेडिकल ब्रांच में जाना चाहे या इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना चाहे, आपके करियर के अकॉर्डिंग या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आर्म फोर्सेस की ब्रांचेस को यहां पर चुन सकते हैं। डिटेल में बात की जाए तो सबसे पहले हमारी आर्मी एविएशन क्रॉप, जी हां, आप इंडियन आर्मी के अंदर भी एज अ पायलट बन सकते हैं, एज अ पायलट आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी एविएशन क्रॉप का काम बेसिकली ये होता है कि आर्मी की यूनिट्स के अंदर, आर्मी के बंकर्स के अंदर या हमारी यूनिट्स के अंदर, कमांड्स के अंदर लॉजिस्टिक सप्लाई करना चॉपर्स के थ्रू। तो ये एक आर्मी एविएशन क्रॉप के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक बड़ा ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है आर्मी मेडिकल क्रॉप्स के अंदर, जहां पर आप एज अ डॉक्टर मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो कॉम्बैट आर्म है, जो कि हमारी आर्टिलरी, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर फायर पावर के थ्रू हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट करता है, आप आर्टिलरी को ज्वाइन कर सकते हैं। या यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन जिसको लेकर काफी सारे बच्चे हमेशा एंथुजियास्टिक होते हैं, वो है हमारी स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो। आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद स्पेशल फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका काम होता है ऐसे स्पेशल मिशंस को अंजाम देना, दुश्मन के इलाके में जाके एनिमी को खत्म कर देना। तो ये सारी चीजें आप इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी में। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस यहां पर होती है, जैसे एजुकेशन ब्रांच की बात कर ली जाए, मैकेनिकल ब्रांच की बात कर ली जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात कर ली जाए, तो बहुत सारे एरियाज के अंदर आप आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस दे सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा एडवेंचरस करियर ऑप्शन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो आपको आर्म फोर्सेस के अंदर मिलता है। आर्म फोर्सेस के अंदर आपको अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका मिलता है। यू कैन प्रूव इन आर्म फोर्सेस दैट हु यू आर एंड व्हाट यू हैव। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर बात की जाए तो गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी ब्रांचेस आर्म फोर्सेस के अंदर, स्पेसिफिकली आर्मी के अंदर ओपन होती हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है, जिसके बारे में हमने बात करी है, यहां पर आर्मी एविएशन क्रॉप्स को भी गर्ल ज्वाइन कर सकती हैं, जी हां। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं कि आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स की बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए क्रॉप टॉप इंजीनियर की, और बात कर ली जाए आर्मी मेडिकल क्रॉप्स की, तो ये सारे ऑप्शंस भी गर्ल्स के लिए ओपन है। एज अ गर्ल्स इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द नेशन। अगर आप अपने घर को संभाल सकती हैं तो आप अपने देश को भी संभाल सकती हैं। बस जरूरत है बेटा तो अपने आप पे भरोसा रखने की। तो आप भी बिल्कुल खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए अब देश की सेवा करने के लिए। क्योंकि जब आप कोई लड़की आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करती है तो वो बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट करती है, बहुत सारी गर्ल्स आपको देखकर मोटिवेट यहां पर हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं और देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकती हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर बात की जाए कि आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती कहां है, जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन एग्जाम्स को देने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है बड़े ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो कि एशिया के सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले आती है हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IIMA, जो कि देहरादून के अंदर सेटल है, और दूसरी हमारी होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इन दोनों एकेडमीज में से आप अपनी एग्जाम के हिसाब से किसी भी एकेडमी के अंदर ट्रेन होते हैं। ये दोनों ही बड़ी प्रेस्टीजियस एकेडमी है। आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि दे विल कन्वर्ट यू फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। आपको आर्म फोर्सेस में कहा जाता है जेंटलमैन, और आपकी ट्रेनिंग के अंदर ही आपको जेंटलमैन बना दिया जाता है। दे ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम यू, बिलीव मी, वो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल के लेके आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो दैट्स व्हाई आर्म फोर्सेस के अंदर इंडियन आर्मी के थ्रू आप इन सारी जगह पर जा सकते हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद। इंडियन आर्मी में प्रमोशन की बात की जाए तो जब आप अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कमीशन होकर निकलते हैं एज एन ऑफिसर, तो आपको जो रैंक मिलती है वो होती है आपकी लेफ्टिनेंट, देन प्रमोशंस के बाद आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, और इसी तरीके से आप आगे प्रमोट होते जाते हैं। इंडियन आर्मी में प्रमोशंस काफी ज्यादा फास्ट होते हैं,
दैट्स वाई इंडियन आर्मी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की यहां पर मैं बात करूं तो वो है हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी भारतीय वायुसेना, जो कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स में से एक काउंट की जाती है। इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी, इंडियन एयरफोर्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्म फोर्सेस की एयरफोर्स ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स की अगर यहां पर मैं बात करूं तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए इंडियन एयरफोर्स में काफी बेहतर चांसेस है। जी हां, गर्ल्स भी इंडियन एयरफोर्स में या तो वो ग्राउंड ड्यूटीज को ज्वाइन कर सकती हैं या वो फाइटर पायलट बन सकती हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बॉयज के लिए भी ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहां पर अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहां पर एयरफोर्स में मेजरली तीन ब्रांचेस होती है। पहली होती है फ्लाइंग ब्रांच, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, और ये ब्रांच सबसे अट्रैक्टिव ब्रांच मानी जाती है। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमेशा एक सपना देखते हैं, वो है फाइटर पायलट बनने का। तो जी हां, आप इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट के अंदर आप बन सकते हैं, आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर होते हैं आपके फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक दूसरी ब्रांच होती है, वो होती है टेक्निकल ब्रांच, जिसके अंदर भी दो ब्रांचेस होती है, एक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसकी सब ब्रांचेस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स जहां पर आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी की मशीन्स देखने को मिलती है जो कि होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, इनके मेंटेनेंस के लिए यहां पर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो ब्रांच होती है टेक्निकल ब्रांच, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बन के आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच भी होती है। जी हां, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड अगर पीसीएम नहीं है या उनका बैकग्राउंड अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के अंदर आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और आप कैसे इन ब्रांचेस को ज्वाइन करके अपनी देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं कि स्पेसिफिक कुछ ब्रांचेस की बात करूं तो सबसे अट्रैक्टिव जो मानी जाती है वो होती है एज अ फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि एज अ फाइटर पायलट आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें, एंड बिलीव मी यू विल लिव योर लाइफ। आप हर दिन अपनी लाइफ का एंजॉय करते हैं जब आप किसी ऐसी मशीन में बैठते हैं जिसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो ये एक बड़ा ही प्राउड का मोमेंट यहां पर होता है। इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंडियन एयरफोर्स में ड्रोन ऑपरेटर भी बन सकते हैं। जी हां, अगर आपको वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है तो भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स में एज ए ड्रोन ऑपरेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास इंडियन एयरफोर्स में होते हैं, और जैसे कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स थी पैरा कमांडो, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस जो कि हमारी होती है गरुड़ कमांडो, आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाकर भी स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही सारे अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है एयरफोर्स एकेडमी के अंदर, जहां पर आपको एक नॉर्मल पर्सन से एक फाइटर पायलट बना दिया जाता है, और एक इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर ब्रांच की बात की जाए, यहां पर अगर मैं रैंक्स की बात करूं तो आप कमीशन होने के बाद जो रैंक आपको मिलती है ऑफिसर की वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर, इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, और इसी तरीके से आपके प्रमोशन यहां पर होते जाते हैं। इंडियन आर्मी की तरह ही इंडियन एयरफोर्स में भी प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन इसलिए बन जाता है कि प्रमोशंस यहां पर काफी फास्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर है, सेवन पे कमीशन के बाद एक कह सकते हैं कि हैंडसम सैलरी यहां पर आपको मिलती है। सो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है इंडियन एयरफोर्स यहां पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब तीसरी ब्रांच की यहां पर बात की जाए जो कि हमारी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, जो कि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। वो कहते हैं ना कि जिस देश का राज समुद्र पे हो गया उसका पूरी दुनिया पे राज हो जाएगा। पुराने जमाने में ब्रिटेन ने लगभग आधी दुनिया के ऊपर राज किया था। वो क्यों किया था? बिकॉज उनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आज हमारी इंडियन नेवी भी उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है,
और इंडियन नेवी को काउंट किया जाता है दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेवीज के अंदर। आप इंडियन नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी के अंदर भी बॉयज एंड गर्ल्स आप दोनों ही इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, काफी सारी ब्रांचेस है इसके अंदर। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप जनरल सर्विस में जा सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर, लॉजिस्टिक, नेवल आर्मामेंट, या इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की जाए तो आप सबमरीन इंजीनियर बन सकते हैं, नेवल आर्किटेक्ट बन सकते हैं, जनरल सर्विसेज इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर होती है आपकी मेडिकल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, तो इंडियन नेवी की भी इन सारी ब्रांचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यहां पर बात की जाए कि आप सर्विसेज कहां देते हैं, आप सर्विसेज देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स के अंदर। और जैसे कि यहां पर बात की जाए, यह है हमारा एयरक्राफ्ट करियर जिसके ऊपर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ये होते हैं हमारे डिस्ट्रॉयर जो कि एनिमी के शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रॉयर जिनका काम यह होता है कि हमारे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। और अगर कोई एनिमी शिप हमारे देश के में एंटर करने की कोशिश करता है तो उसे नेस्त नाबूद कर देना। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन यहां पर होता है, आप सबमरीन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, सबमरीन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो पानी के अंदर रह के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन हो जाता है और इंडियन नेवी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन बन जाता है अगर आप अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं और वो भी भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना के। यहां पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडियन नेवी के अंदर भी आप इंडियन नेवी को एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर एज अ पायलट आप ज्वाइन कर सकते थे, आप इंडियन नेवी को भी एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एज अ डॉक्टर भी आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे यहां पर हमने बात करी थी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की और इंडियन एयर फोर्स की स्पेशल फोर्सेस की, इंडियन नेवी की भी अपने एक स्पेशल फोर्सेस है जिसे कहा जाता है मार्कोस, द फ्यू, द फियरलेस, इन्हें कहा जाता है मगरमच्छ, और इन्हें स्पेशल एरियाज में बोला जाता है दाढ़ी वाला फौजी। तो आप मार्कोस को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद। देखिए सारी चीजें आपके हाथ में, इतना अट्रैक्टिव करियर कि आप अपनी लाइफ को, आपकी जो पूरी लाइफ होती है वो फुल ऑफ एडवेंचर होती है। आप हर दिन जो है वो नयापन महसूस करते हैं, हर दिन एक नई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है इंडियन नेवल अकेडमी के अंदर जो कि एशिया की सबसे बड़ी नेवल अकेडमी है। जी हां, ये एशिया की सबसे बड़ी नेवल अकेडमी है जो कि ये एजमला के अंदर जो है केरला के में। तो यहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे इंसान के रूप में, आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके। तो ये वो सारी ब्रांचेस थी जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इंडियन नेवी में मैं करियर प्रोग्रेस की बात करूं तो आप कमीशन होने के बाद एज अ सब लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, देन लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, और ऐसे ही आपकी करियर की ग्रोथ यहां पर होती रहती है। ये तो बात हो गई आर्म फोर्सेस की तीन डिफरेंट ब्रांचेस की और उनके रोल की। चलिए अब देखते हैं कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट होता है आपके करियर के लिए। आर्म फोर्सेस एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे बन सकता है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए वो है अनमैच रेपुटेशन। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आपको जो रेपुटेशन मिलती है वो आपको किसी भी करियर के अंदर नहीं मिल सकती है। बिकॉज कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं, यू हैव टू अर्न दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और आपकी जिंदगी का वो पार्ट होता है आपकी यूनिफॉर्म। जब आप उन दो स्टार्स को अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं तो वो स्टार्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आते हैं और एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट भी लेकर आते हैं कि आपके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। तो आर्म फोर्सेस के अंदर आपको मिलती है एक ऐसी रिस्पेक्टफुल लाइफ जहां पर आपकी हर जगह पर रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, या इवन नेशन हो। पूरा देश आज फौजियों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और ये वो चीज है जो आपको किसी भी करियर में नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो है बिकम लीडर एट यंग एज। दुनिया का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी करियर आपको 20-21 साल में एक लीडर नहीं बनाता है। 20-21 साल की एज में जब आप एज अ कैप्टन या एज अ लेफ्टिनेंट जब बन जाते हैं, आप अपने मैंस को लीड करते हैं, आपके जवानों की जिंदगी आपके हाथ में होती है और आप एज अ लीडर इमर्ज करते हैं। दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट, कोई जॉब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, बट इन आर्म फोर्सेस यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी।
ये काफी यंग एज के अंदर आप एज अ लीडर इमर्ज करते हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप में होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जब एक यंग एज के अंदर आप लीडर बन जाते हैं तो आपकी खुद की पर्सनालिटी का एक बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होता है, जो कि सिर्फ आर्म फोर्सेस के अंदर ही पॉसिबल है, बिकॉज आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम बॉय टू अ मैन। वो ट्रेनिंग इतनी रिगरियस होती है और इतनी इंपैक्टफुल होती है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी एक लीडर की बन जाती है। सो दैट्स व्हाई ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। नेक्स्ट, अगर मैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करूं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जॉब सिक्योरिटी। जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर होते हैं, तो यहां पर आपके पास होती है जॉब सिक्योरिटी, जो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट जॉब के अंदर मिसिंग होती है। तो आर्म फोर्सेस के अंदर एक फाइनेंशियल बेनिफिट यह भी होता है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी यहां पर होती है। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात की जाए वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आर्म फोर्सेस के अंदर जब आप अपनी सर्विसेज को पूरा कर लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बिलीव मी, ये बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, चाहे फिर वो पेंशन की बात कर ली जाए या आफ्टर रिटायरमेंट सर्विसेज की बात कर ली जाए, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर जो हैं वो बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर भी अपनी सर्विसेज देते हैं, बिकॉज जो ह्यूमन नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज एक आर्म फोर्सेज के पर्सन के पास होता है, जो कि मैनेज करने का नॉलेज होता है, जैसे कि डिसिप्लिन की यहां पर मैं बात कर लूं, इंटीग्रिटी की बात कर लूं, ऑनर की बात कर लूं, वो किसी अदर पर्सन के अंदर नहीं आ सकता है, बिकॉज आर्म फोर्सेस का पर्सन उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में एक्सपीरियंस करता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट भी आर्म फोर्सेस में जाने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके के मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए हायर एजुकेशन। जी हां, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं। अगर मैं प्रॉपरली बात करूं, आईटीज के अंदर कुछ सीट्स रिजर्व होती है आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए, तो यहां पर आपको हायर एजुकेशन का भी चांसेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहां पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए फास्ट प्रमोशन। आप किसी भी फोर्सेस की बात कर लीजिए, चाहे इंडियन नेवी की बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, इंडियन आर्मी की बात की जाए, यहां पर प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं। जी हाँ, प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं, जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपके प्रमोशंस भी आगे बढ़ते जाते हैं और आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जी हाँ, मैं देश की सेवा भी कर रहा हूं और साथ ही साथ मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, साथ ही साथ मेरा प्रमोशन भी होता जा रहा है। दैट मीन्स मैं अपने लेवल पे भी धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी होता है। किसी भी जॉब में आप जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब सेटिस्फेक्शन, होना खुश रहना, हैप्पी रहना। और आर्म फोर्सेस के अंदर आपको दिल से पता होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मैं अपनी जिंदगी में जो काम कर रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो एक सही काम है। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको आर्म फोर्सेस के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए करियर एंड स्पोर्ट। जी हां, आप इनको तो जानते होंगे, नीरज चोपड़ा, बट आप जानते हैं कि ही बिलोंग्स टू द इंडियन आर्मी। यह सुबेदार नीरज चोपड़ा, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आप अगर किसी स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी आपको उस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। जी हां, हर तरीके से आर्म फोर्सेस आपको सपोर्ट करती है आपके स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में, फिर चाहे वो फिजिकल फैसिलिटीज आपको देना हो, फाइनेंशियल फैसिलिटीज देना हो, आपकी डाइट पे काम करना हो, किसी भी चीज के अंदर आपको आर्म फोर्सेस कभी भी कोई कमी नहीं होने देती है। और आर्म फोर्सेस के पास जो ट्रेनर्स होते हैं दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। और जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट से ट्रेनिंग लेते हैं तो आप एक ऐसे खिलाड़ी बन के निकलते हैं जो कि दुनिया में किसी को भी हरा सकता है, जिसके एग्जाम्पल यहां पर है नीरज चोपड़ा, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर सुबेदार की रैंक पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए ट्रेनिंग। जी देखिए, आप दूसरे किसी भी करियर के बाद आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा होती है। बट इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग होती है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एनडीए की बात की जाए, नेशनल डिफेंस अकेडमी की बात की जाए, यहां पर फीस आपकी काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। और इसके लिए भी काफी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो वो फीस भी आपको भरनी नहीं होती है। और इस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर, जहां आप दूसरे करियर के अंदर आपकी
ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड होती है, आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, बिलीव मी। फिर चाहे वो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाना हो, आपको तैरना सिखाना हो, या आपको गन चलाना सिखाना हो, या फायर आर्म्स की प्रैक्टिस करवाना हो, आपकी लाइफ में टोटली चेंज लेकर आ जाती है ये पूरी ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग का फेज होता है आर्म फोर्सेस के अंदर, ये एक बड़ा ही क्रूशियल फेज होता है। ये पूरे ट्रेनिंग के फेज में आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आप असलियत में क्या है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी क्षमता है, यह आपको ट्रेनिंग के अंदर ही पता लगती है, क्योंकि वो आपको बना देते हैं अ मैन ऑफ स्टील। सो बिलीव मी, ये जो ट्रेनिंग होती है आर्म फोर्सेस की, इससे अट्रैक्टिव ट्रेनिंग और इससे अच्छी जर्नी ट्रेनिंग की किसी भी इंस्टीट्यूट की हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड बिलीव मी आई एम टेलिंग यू कि जितनी भी चीजें आप सीख सकते हैं, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं। सो ट्रेनिंग भी एक बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट यहां पर आपका रहने वाला है सर्विसेज का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अदर बेनिफिट्स यहां पर रहते हैं, जैसे आर्मी कैंटीन सर्विसेज आपको मिल जाती है, जहां पर कम दामों के अंदर आपको बहुत सारी कॉमोडिटीज मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपकी फैमिली और आपके लिए हेल्थ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड की जाती है, आफ्टर मैरिज आपके चिल्ड्रंस को फ्री एडुकेशन दी जाती है। तो ये अदर बेनिफिट्स यहां पर बहुत सारे आर्मी के अंदर यहां पर होते हैं। और इसके अलावा भी अगर यहां पर बात की जाए, तो एक बेनिफिट ये होता है कि यू आर गोइंग टू बी फिट फॉर एवर, हमेशा फिट रहने वाले। बिकॉज आर्म फोर्सेस के अंदर आप किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हैं, आपका फिजिकली फिट रहना जरूरी है। सो यू आर गोइंग टू बी स्टे हेल्दी फॉर एवर एंड स्टे फिट फॉर एवर इफ यू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडियन आर्मी का एड आप में से कुछ बच्चों को याद होगा, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। आप ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं जीते हैं, आपकी जो लाइफ होती है वो कम से बहुत थोड़ी सी लेस ऑर्डिनरी होती है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और आपका एक दोस्त जो है वो किसी और करियर को ज्वाइन कर लेता है। आपका दोस्त आपसे फोन लगा के पूछता है कि हाउ वॉज योर डे, आप बोलते हैं यहां मेरा दिन तो नॉर्मली था, आज हमने 15 किलोमीटर दौड़ा, दुश्मन के इलाके में जाने की प्रैक्टिस की और 5000 फीट की ऊंचाई से छलांग भी लगे, बट माई डे वॉज नॉर्मल, क्योंकि हमारे लिए चीज तो बड़ी नॉर्मल होती है। सोचिए आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं, सो यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ विच इज वेरी लेस ऑर्डिनरी, लेस ऑर्डिनरी आपकी लाइफ जो है वो रिमार्केबल होती है व्हेन यू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आपकी पूरी जिंदगी में आप लाइफ के हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और लाइफ के हर पल को यहां पर इंजॉय करते हैं। अब देखिए, आफ्टर 12th आप इंडियन आर्म फोर्सेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है, जो कि सबसे फेमस एग्जाम भी है, जो कंडक्ट कराता है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस एग्जामिनेशन का नाम है NDANA। ये एग्जामिनेशन होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और नेवल एकेडमी के लिए। ये एग्जामिनेशन साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस को। मैं तीनों ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस को आप इस एग्जाम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यहां पर बात की जाए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो आर्मी के लिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चा इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता है, आर्मी के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। जी हां, बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं है शायद कि आप इंडियन आर्मी को एनडीए को एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है या बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो भी आप दे सकते हैं, जी हां, बट आप सिर्फ इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है विद द पीसीएम। इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। अगर आप 12th पास भी हैं तो भी आप एनडीए के एग्जाम को दे सकते हैं, और यहां पर ऐसा भी नहीं होता है कि आपके पास एक ही चांस है, दो ही चांस है, आपके अटेम्प्ट्स यहां पर काउंट नहीं होते हैं। जब तक आपकी एज है तब तक आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। अगर एज की मैं बात की जाऊं करूं तो लगभग 15.5 साल से 18.5 साल तक के बीच की यहां पर होती है, जो एक साल का डिफरेंस है। कई बार बताया जाता है कि 16.5 साल से 19.5 साल की एज है, वो एक साल की जो डिफरेंस है बेटा वो रखा जाता है, क्योंकि फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर जब आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो वो एक साल ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर रियल एज की यहां पर मैं बात करूं तो 15.5 साल से लेकर 18.5 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप एनडी का एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गर्ल्स के लिए, जी हां, एनडीए के थ्रू अब गर्ल्स भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं।
जी हाँ, आप लोग भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के थ्रू, और परमानेंट कमीशन यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एनडीए एग्जाम आप दे सकते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हाइट के क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो बहुत ज्यादा हाइट का क्राइटेरिया नहीं माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों के माइंड में कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 6 फीट होनी चाहिए, 7 फीट होनी चाहिए, या 6.5 फीट होनी चाहिए, तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में एन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपकी फिजिकली चीजों के ज्यादा भी आपकी मेंटल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपको एज ए लीडर वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, एज ए लीडर आपको बनाया जाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एक लीडर के फॉर्म के अंदर। तो यहां पर अगर मैं बॉयज के लिए हाइट की बात करूं तो वो थी सिर्फ 157 सेंटीमीटर, गर्ल्स की बात करूं तो वो थी सिर्फ 152 सेंटीमीटर, और जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट और कम हो जाती है, वो हो जाती है 148 सेंटीमीटर। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर वो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो यहां पर उनकी जो मिनिमम हाइट होती वो थी 163 सेंटीमीटर। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, ये मिनिमम हाइट्स यहां पर होती है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फिट हो रहे हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हैं। वन डे एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, पहला होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है जीएटी का। मैथमेटिक्स में पूरा मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश के अलावा यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपसे पहले पूछ लिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ये पूछा जाता है। तो बड़ी आसानी से आप पहली ही बार में इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम यहां पर नहीं होता है। इसका जो प्रोसीजर है ये होता है कि सबसे पहले आप रिटर्न एग्जाम देते हैं, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस होता है जिसे कहा जाता है एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है। जी हां, 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर कोई भी पर्सन एज अ ऑफिसर अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो ये 5 दिन के प्रोसेस से उसे गुजरना ही होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो एसएसबी की तैयारी भी आपको करनी होती है, इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज कर लिया जाता है कि क्या आपके अंदर वो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है। इसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं और लास्ट में आपकी आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पर आप ज्वाइन करते हैं द प्रेस्टीजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि है खड़कवासला पुणे के अंदर। यहां पर आप 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं एनडीए के अंदर, और उसके बाद 4th साल की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। जैसे कि जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लास्ट का 1 साल इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर, जो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंडियन नेवल अकेडमी के अंदर, और जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो एयरफोर्स अकेडमी के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एनडीए के अंदर भी आपको ग्रेजुएशन ही कराया जाता है। जी हां, आप यहां पर बीटेक की डिग्री ले सकते हैं, बीएससी की डिग्री ले सकते हैं, और आप आर्ट्स की डिग्री भी यहां पर ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी डिग्री यहां पर लेना चाह रहे हैं। और इन इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद आपकी होती है पासिंग आउट परेड, जिसे पीओपी कहा जाता है, और आप बन जाते हैं एक कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम था यहां पर, वो था एनडीए। अब दूसरा एक बड़ा ही अट्रैक्टिव एग्जाम होता है, वो सारे बच्चे जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एज अ डॉक्टर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर मैं तीनों की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की बात कर रहा हूं। इसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, इसे कहा जाता है AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। जी हां, आर्म फोर्सेस के अंदर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको AFMC में ट्रेनिंग करनी होगी। AFMC पुणे इज एफिलिएटेड टू द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक एंड इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। जी हां, आप इस इंस्टीट्यूशन में जाकर आप अपने MBBS को कंप्लीट करते हैं और आप आर्म फोर्सेस में एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे इंडियन आर्मी में, चाहे इंडियन नेवी में,
चाहे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अगर यहां पर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपकी उम्र 17 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में आपको 10+2 पास करना होगा विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दैट मीन्स आपका पीसी भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली चीज है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो पीसी भी होना यहां पर जरूरी है। Simultaneously and securing not less than 60% of aggregate marks in these three subjects taken together. आपके जो PCB, ध्यान से सुनिएगा, आपके जो PCB का aggregate होता है physics, chemistry और bio का, वो 60% यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा 50% आपका कम से कम होना चाहिए English के अंदर और 50% marks in each of the science subject. That means physics के अंदर भी कम से कम 50% marks, इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी कम से कम 50% मार्क्स यहां पर आपके होने चाहिए। और नेक्स्ट, दे मस्ट हैव आल्सो पास एन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। कि 10th में आपने जब 10th का एग्जाम दिया था तो वहां पर आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है AFMC का, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का। इसके अलावा भी यहां पर एक चीज जरूरी है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जितने भी कैंडिडेट MBBS कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं AFMC में, उन्हें नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट UG आपको यहां पर क्वालिफाई करना होगा और आपका एक वैलिड स्कोर यहां पर होना चाहिए। दैट मींस आपके नीट के स्कोर के बेस पर ही आपको AFMC में एडमिशन मिलेगा। बट ये नहीं होगा कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया और आपको AFMC में एडमिशन मिल गया। AFMC अपना खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करता है जिसे टोलर टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपके इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एंड रीजनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है AFMC में, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के अंदर। और यहां पर गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान से सुनिएगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही सीट्स होती है, सीट्स वैकेंट होती है। तो ये आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप आर्म फोर्सेस को एज द मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसके बाद एक दूसरा बड़ा अच्छा ऑप्शन है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, आप अगर 12th के बाद आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और वो है हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेस। एज ए नर्सिंग सर्विसेज में अगर आप आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तीनों ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपका जो एज है वो 18 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दैट मीन्स 12th में आपका PCB होना जरूरी है एंड इंग्लिश विथ नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स एज अ रेगुलर स्टूडेंट। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है, कैंडिडेट्स विल बी अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाई एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द करंटली एकेडमिक ईयर ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है जो बच्चे अभी 12th में अपियर कर रहे हैं, अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया, 12th में अगर आप अपियर कर भी रही हैं तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकती। जी हाँ, ये एग्जामिनेशन सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स के लिए, आपका 12th अभी अपने पास नहीं किया है, 12th आप अपियर हैं तो भी आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एग्जाम को दे सकती है। यहां पर 6 डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं अगर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है तो, और आपको BSc की डिग्री यहां पर बेसिकली प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग के अंदर। अब इसका प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका इंटरव्यू होता है जो कि दिल्ली के अंदर होता है, फिर आपके मेडिकल्स होते हैं और फाइनल लिस्ट आपकी निकलती है और इन 6 कॉलेजेस में से किसी भी एक कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो यह भी एक बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एज अ मेडिकल सर्विस के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं या मेडिकल ब्रांचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं इन तीनों आर्म फोर्सेस के अंदर। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम को दिए। जी हाँ, पॉपुलरली जिसे नाना जाना जाता है TES एंट्री के नाम से, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके फॉर्म साल में दो बार आते हैं, दैट मींस इंडियन आर्मी 2 बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू कैडेट्स को इनवाइट करती है, जिसमें आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, दैट मींस आप डायरेक्टली SSB के लिए अपीयर कर जाते हैं।
अब यहां पर डायरेक्टली कैसे एसएसबी के लिए अपीयर कर जाते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपके 12th के परसेंट के बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, और 12th में जिन बच्चों का पीसीएम है सिर्फ वही TES एंट्री के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसके बाद इसमें लगभग 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका पीसीएम में, हालांकि वैकेंसीज के हिसाब से जो लिस्ट जाती है मेरिट लिस्ट, तो ये 60% से काफी ज्यादा चला जाता है TES के अंदर, बट एक नॉमिनल यहां पर 60% का क्राइटेरिया होता है। और दूसरा, आपके पास JEE मेंस का एक वैलिड स्कोर यहां पर होना जरूरी है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। ऑब्वियसली टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो इंडियन आर्मी के टेक्निकल ब्रांचेस को आप ज्वाइन करते हैं, इंजीनियरिंग कोर को ज्वाइन करते हैं इसके बाद, और यहां पर आपकी एक साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जो कि OTA दैट मींस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। इसके बाद फेस वन में आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है जो 3 साल की होती है, या तो वो CME पुणे में होगी या फिर MCTE महू के अंदर होगी। इसके बाद आपकी फेस टू की ट्रेनिंग होती है जो कि पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है जो कि 1 साल की यहां पर होती है, जो कि CME पुणे या MCTE महू या MCEME सिकंदराबाद के अंदर होती है। तो टोटल आपकी जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है बेटा, वो लगभग 5 साल का यहां पर होता है। तो ये TES एंट्री है, इस एंट्री के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आपके 12th में स्कोर काफी अच्छा है और आप NDA का रिटर्न क्लियर नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली एंट्री में जाना चाहते हैं, तो TES आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन यहां पर हो सकता है। इसमें कोई रिटर्न नहीं होगा। जी हां, SSB आपका होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर अगर आपको ज्वाइन करना है तो SSB तो आपको देना ही होगा। आपके मेडिकल्स होते हैं और मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है और फिर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट अगर एंट्री की बात की जाए, ऐसी एंट्री है इंडियन नेवी के अंदर भी होती है जिसे कैडेट एंट्री स्कीम कहा जाता है। इंडियन नेवी से 10+2 बीटेक एंट्री भी कहा जाता है, इसे कैडेट एंट्री कहा जाता है। इसमें आपके 12 के परसेंटेज के बेस पे होना चाहिए, 50% कम से कम आपके मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए और JEE मेंस का एक वैलिड स्कोर यहां पर आपके पास होना चाहिए। आपकी हाइट की बात की जाए तो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें होता है कि 4 साल आपको बीटेक की डिग्री दी जाती है और आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, और 1 साल आपकी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आप इंडियन नेवी में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एंट्री स्कीम है जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम यहां पर जो है वो नहीं देना पड़ता है, चाहे बात की जाए इंडियन नेवी की बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में या TES इंडियन नेवी के लिए और आर्मी के लिए TES एंट्री के बारे में बात की जाए। तो ये सारी कुछ एग्जाम्स थी, यहां पर भी कोई रिटर्न नहीं है, आपका SSB आप क्लियर करते हैं, मेडिकल्स क्लियर करते हैं और मेरिट लिस्ट के बाद आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी अजमला के अंदर जो है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये उसके पहले वो सारे ऑप्शन थे जो आप 12th के बाद एज एन ऑफिसर आप अगर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद ये सारी एग्जाम्स को देकर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर 12th के बाद हम आगे बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपके पास काफी सारे चांसेस होते हैं कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर ले। इसमें एक सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर एग्जाम है वो है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे CDSE के नाम से जाना जाता है, जो कि कंडक्ट करता है हमारा UPSC। इसमें एज का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का होता है कि आप अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, IMA की बात कर लीजिए या OTA की बात कीजिए, IMA मींस इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट क्वाल 12th और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया यहां पर सारी अकेडमीज के लिए अलग अलग होता है। जी हां, ये बात ध्यान रखिएगा कि CDS में एज का क्राइटेरिया सारी अकेडमीज के लिए अलग अलग यहां पर होता है। जैसे नेवल अकेडमी के लिए 19 से 22 साल, एयरफोर्स के लिए 19 से 23 साल, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 19 से 24 साल और OTA के लिए 19 से 25 साल का क्राइटेरिया यहां पर रखा जाता है। और ऐसा ही ग्रेजुएशन के बाद एक बड़ा फेमस एग्जाम होता है, जो भी बच्चे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्होंने इस एग्जामिनेशन का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इसे कहा जाता है AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम एयरफोर्स खुद कंडक्ट करवाता है अपने, कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है।
अब यहां पर याद रखिएगा कि एयरफोर्स के थ्रू यहां पर ये जो एग्जामिनेशन होता है ये भी साल में दो बार होता है। ये याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन होता है। ये इसके थ्रू एफकैट एग्जाम के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स की तीनों ब्रांचेस, चाहे वो फ्लाइंग हो, टेक्निकल ब्रांच हो या नॉन टेक्निकल ब्रांच हो, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच की बात की जाए तो यहां पर आपकी एज होना चाहिए 20 से 24 साल। एज का क्राइटेरिया कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एज याद रखिएगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी एज लगभग उस टाइम पर कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 साल के बीच। बट अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, आपके पास कोई लाइसेंस है जो कि कमर्शियल पायलट का है, किसी एविएशन कंपनी के अंदर आप काम कर चुके हैं, तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यहां पर आपकी एज हो जाती है 26 साल। हाइट की बात की जाए तो वह 162.5 सेंटीमीटर, जो लगभग 163 सेंटीमीटर होता है लगभग, बट एक्जैक्टली बात की जाए तो यह 162.5 सेंटीमीटर होता है। बिकॉज क्या होता है कि फाइटर प्लेन्स कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं कि स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर का होना किसी पर्सन का जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर फाइटर प्लेन्स के लिए कह सकते हैं कि अगर आपको फाइटर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जाना है तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर काफी ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, क्वालिफिकेशंस यहां पर क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के अंदर क्लास 12th में। साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 degrees कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मैक्सिमम 60% और इक्विवेलेंट। पहली चीज है, आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम आपके 60% होना चाहिए, या इसके अलावा आपकी बीई बीटेक की डिग्री आपके पास होना चाहिए जो कि 4 साल की होती है, उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो याद रखिएगा ये 60% मार्क्स का क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आगे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरा जो एग्रीगेट स्कोर आएगा एकेडमिक्स के अंदर वो 60% से तो ज्यादा ही हो, क्योंकि प्रिविलेज आपको आगे जाके मिल जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी की है 60% से भी, तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी होती है हमारी ग्राउंड ड्यूटी। जैसे एयरफोर्स के अंदर सिर्फ फ्लाइंग का काम नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर भी काफी सारे काम होते हैं, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करना, इसके अलावा एयरक्राफ्ट में कोई खराबी आ जाए उसको पहचानना, ग्राउंड स्टाफ का मेंटेनेंस करना, तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होती है और इसी के एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, जिसमें आपकी एज नॉर्मली होना चाहिए 20 से 26 ईयर के बीच, हाइट 152 सेंटीमीटर, और आप अगर मैकेनिकल ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स की टेक्निक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मैकेनिकल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए। जैसे कैंडिडेट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और क्लियर सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय एक्चुअल स्टडी विद अ मिनिमम 60%। तो यहां पर क्या है कि 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कम से कम 50% होना चाहिए और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना यहां पर जरूरी है, तो आप इस ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, ये सेम ब्रांच होती है ग्राउंड ड्यूटी में, जैसे मैकेनिकल थी वैसे ये इलेक्ट्रिक ब्रांच होती है, सारा क्राइटेरिया इसमें सेम होता है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। कई बार लोगों को ये लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं या मेरा सब्जेक्ट कोई और था, तो क्या मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? जी हां, अगर आप अकाउंट्स से भी या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसे ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर मेजरली इसकी सब ब्रांचेस की मैं बात करूं तो इसमें होती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, अकाउंट्स ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच। इस ब्रांच को ज्वाइन करने के लिए आपका एज होना चाहिए 20 से 26 साल के बीच,
हाइट कम से कम मिनिमम होती है 152 सेंटीमीटर, ये मिनिमम यहां पर हाइट आपसे मांगी जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर तीन ब्रांचेस हैं, तीन सब ब्रांचेस होती हैं, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पास्ट 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, अगर आपका कॉमर्स भी डिसिप्लिन रहा है, बीएससी रहा है, आर्ट्स रहा है, वो भी चल जाएगा, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% मार्क्स। देखिए ये 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहां पर भी है कि अगर आपने बीकॉम भी किया है तो बीकॉम के अंदर भी आपके 60% मार्क्स यहां पर होना जरूरी है, तभी आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, मटेरियल्स को यहां से वहां पहुंचाना, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉजिस्टिक पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, तो लॉजिस्टिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आप अपनी सेवाएं सर्विसेज इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ऐसी होती है अकाउंट्स ब्रांच, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए इसमें पास 10+2 एंड डन ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन विद द 60% मार्क्स, कि आपका 10+2 होना चाहिए और 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, फिर चाहे आपने बीकॉम की डिग्री ली हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली हो, या अगर आपने डिग्री ली हो बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अगर इन तीनों डिग्रीज में से या आप क्वालिफाइड सीए सीएमएस सीए सीएफए भी हैं तो भी आप अकाउंट्स ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके सब्जेक्ट्स पीसीएम नहीं है, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, या जो नहीं चाह रहे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, मैं अकाउंट्स लेना चाहता हूं और मैं आगे जाकर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ब्रांच की बात की जाए तो वो होती है हमारी एजुकेशन ब्रांच। देखिए हर जगह पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एजुकेटर्स की जरूरत होती है, ट्रेनिंग देने के लिए भी लोगों की जरूरत होना जरूरी है, तो ऐसे ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी है एजुकेटर्स ब्रांच, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन सेम है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, साथ ही साथ द कैंडिडेट हैव एमए एमएससी डिग्री With 50%, that means यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है, आपके पास MA MSc की डिग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट में MA MSc हो सकते हैं, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी के अंदर, डिफेंस स्टडीज में, कंप्यूटर साइंस में, MBA MCA, इस किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने MA MSc किया है तो आप इंडियन एयरफोर्स की एजुकेशन ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट एंट्री की बात की जाए तो इंडियन नेवी का भी एक एग्जाम होता है जो कॉमनली फेमस है INET के नाम से, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करवाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, वैसे एग्जामिनेशन इंडियन नेवी की वेरियस ब्रांचेस के लिए कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात की जाए, मैकेनिकल की बात की जाए, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए, वेरियस ब्रांचेस के लिए इंडियन नेवी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसमें एज का क्राइटेरिया लगभग आपकी एज 19 से 24 साल के बीच यहां पर होनी चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन में स्कोर है वो मिनिमम 60% होना चाहिए और 60% स्कोर आपका 10th और 12th में होना कंपलसरी है अगर आप INET के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो एंट्रीज होती है वो BE और BTech होना भी यहां पर जरूरी है विद द 60%, जैसा कि दूसरी हम एयरफोर्स की एंट्री में भी देखा था कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना है तो BTech होना जरूरी है और 60% आपका यहां पर होना जरूरी है। तो INET एग्जाम के अंदर भी जो वेरियस ज्यादातर वैकेंसीज आती है उसमें यही क्राइटेरिया आपसे माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अभी से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके ग्रेजुएशन में भी परसेंटेज आपके काफी अच्छे होने चाहिए और इस एग्जामिनेशन में आपके 10th के और 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं, जो कि होना चाहिए कम से कम 60% और आपका ग्रेजुएशन भी लगभग 60% यहां पर होना चाहिए। चलिए अब एक ऐसी वैकेंसी की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो आर्ट्स लेना चाहते हैं, ना कॉमर्स लेना चाहते हैं, ना बायोलॉजी लेते हैं और ना ही इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। वो बच्चे चाहते हैं
कि वो हमारे देश की जुडिशरी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे, दैट मींस वो लॉ पढ़ना चाहते हैं, कानून पढ़ना चाहते हैं। तो आप अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो भी आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ लॉ ऑफिसर। इस एग्जाम का नाम है जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जिसे जैक एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर भी लॉ ऑफिसर होते हैं और आप एज अ लॉ ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यह एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग लीगल विंग ऑफ इंडियन आर्मी। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 27 साल के बीच की आपकी एज यहां पर होनी चाहिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम 55% आपके होना चाहिए LLB डिग्री के अंदर। जी हाँ, आपकी LLB डिग्री होनी चाहिए, ऑब्वियसली चीज है। आप एज अ एडवोकेट या एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन आर्मी को तो आपकी LLB डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। 3 ईयर प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद LLB किया है तो 3 साल का होगा और 12 के बाद अगर किया है तो 5 साल की डिग्री आपके पास यहां पर होना चाहिए। और द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट। आपकी स्टेट या इंडिया की बार काउंसिल के अंदर आप एज अ एडवोकेट रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम होती है, बड़ी अच्छी एग्जामिनेशन होती है, एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसी के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी के अंदर जो है एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एंट्री भी है। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी एंट्री होती है जो कि सबसे फेमस एंट्री मानी जाती है, ये इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए या इंडियन आर्मी के लिए भी निकाली जाती है, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। आपकी उम्र अगर 19 से 25 साल के बीच है और आप फाइनल ईयर में है, या 18 से 24 साल के बीच में और आप फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के, और अगर आपकी डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की है तो आप डायरेक्टली SSB के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, CDS देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपके परसेंटेज के बेस के ऊपर आपको SSB का कॉल लेटर आता है, आप डायरेक्टली SSB के लिए जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी फेमस एंट्री है जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी NCC एंट्री भी होती है, NCC के कैंडिडेट्स के लिए, NCC के कैडेट्स के लिए वो एंट्री होती है, जिसके थ्रू वो भी डायरेक्टली SSB में जाते हैं और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक बात यहां पर याद रखिएगा, अगर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है SSB इंटरव्यू, जो कि 5 दिन का प्रोसेस है, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि क्या आपके अंदर वो 15 officers लाइक क्वालिटी है जो कि आर्म फोर्सेस के किसी भी ऑफिसर के अंदर होना जरूरी होता है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में डेवलप नहीं कर सकते हैं, इट्स द वे ऑफ योर लाइफ। आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी अभी से अपने अंदर डेवलप करना होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी को आप इंप्रूव करते हैं, अपने अंदर वर्क करते हैं, तो एक क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये वो सारी एंट्रीज थी, सारी स्कीम्स थी जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, देश सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं होती है, और इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आपको मौका मिलता है अपनी देश की सेवा करने का। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी और एक ऐसा करियर जो कि आपको किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता है। तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस को एज अ करियर चुन सकते हैं। आई होप आप आगे जाकर एक राइट करियर ऑप्शन चूज करेंगे। जय हिंद।